सब बेरोजगार, नौकरी है ही नहीं। योगी जी ने क्या इतने पेपर के लिए इतनी सख्ती कर दी है, पेपर पास होगा कहाँ से? क्या सख्ती कर दी है? दो दो तरीके से प्री और मेन की तरह कर दिया है पेपर एग्जाम। पहले एक ही पेपर होता था, आदमी पास हो जाता, प्री करो, प्री के बाद मेन करो, मेन के बाद होगा जो भी होगा। इतनी सख्ती है उसमें, पास होता ही नहीं है। और इतना टफ पेपर है, बच्चा अच्छे अच्छे की बस की नहीं है, आईएएस की तरह तो पेपर ले रहे हैं। एक बाबू की नौकरी करेगा, लेकिन क्या तरक्की के लिए वो क्या कर रहा है? पेपर दे रहा है आईएएस की तैयारी से, पूरा कोचिंग सेंटर बड़े बड़े सेंटरों से जाकर पढ़े तब हो पाएगा। पर भाई दलित समाज को तो आरक्षण भी मिला हुआ है ना? आरक्षण क्या मिल रहा है? हर नौकरी में नहीं है, कुछ नहीं, अब तो सीटें खाली रह रही हैं। जो सीटें रह जा रही हैं वो जनरल सीटों से भर रहे हैं। अच्छा, जनरल सीटों से भर रहे हैं। कौन सी नौकरी में ऐसा हुआ? ज्यादातर नौकरी में आप देख लीजिए, ज्यादातर नौकरियों में देखिए। प्रधानमंत्री तो जैसे कहते हैं भाई आरक्षण ना खत्म हुआ है ना खत्म होने देंगे वो आरक्षण, उनके पास नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप लोगों को? वो संविधान खत्म करने के चक्कर में आपका आरक्षण कह दिया, ये किसने कह दिया? नरेंद्र मोदी जी कह रहे नहीं कह रहे हम आरक्षण, नरेंद्र मोदी ने कहा आरक्षण नहीं, क्या कहते हैं संविधान को बदलेंगे। रविशंकर जी ने नया संविधान बना रखा है, रविशंकर जी ने एक इंटरव्यू हुआ था, रविशंकर कौन इनके मंत्री जो है, अच्छा, उन्होंने दिखाया था कि मैंने ये संविधान की तैयारी कर ली है, लेकिन 29 राज्यों में सरकार ही पूरी नहीं आ रही है, क्योंकि सारा कुलवा जो आएगा तो वहीं से, क्योंकि सारे ही लोग तैयार होंगे। प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल जो भाषण दे रहे हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ना संविधान बदलेगा ना आरक्षण कभी खत्म होगा। इलेक्शन है, इस समय तो सब कुछ कहेंगे वो, इससे पहले आरक्षण खत्म हो जाएगा या संविधान खत्म हो जाएगा, ये बातें कैसे पहुंच रही हैं आपका? कौन कह रहा है? लो भाई आप कैसे पहुंच रही है? ऐसे क्या यही लोग कह रहे थे? मैंने कहा ना न्यूज में दिखाया कि अगर हमारे सरकार रही सारी जगह तो हम संविधान बदल देंगे, वो खुद कह रहे हैं। पहले तो संविधान कह रहे हैं, संविधान बदलने को कह रहे हैं, आप लोगों को क्या खतरा नजर आता है? संविधान कैसे बदल जाए? हमारी गर्दन कट सकती है संविधान थोड़ी बदला, ईंट से ईंट बजा देंगे हम तो। आप थोड़ी दलित वैसे रहे जो दलित थे किसी समय में आज से 100 साल पहले, कि झाड़ू बांध दिया पीछे और आगे मटकी लगा दी। अब थोड़ी नहीं है, अब तो हम मटकी खुद बांध देंगे ना उनके।